हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑर्बिट यूएसएल इंडिया। आज हमारे साथ है मनोज सर, शालम सर, इनकी दोनों की बेटियां यहाँ पे आई हैं। तो इस समय टाइम हो चुका है 11:15 रात के, तो बच्चे इस समय हॉस्टल के अंदर हैं। सर मेरे साथ है क्योंकि सुबह दोनों सरों की फ्लाइट है वापसी इंडिया की। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा व्यू बताइए। मेरा नाम शालम है, मेरी बेटी सुजैन आलम, इसका इस साल यूएसएल के थ्रू आए। मेरा जो एक्सपीरियंस है यूएसएल के लिए इस वेरी एकदम ट्रांसपेरेंट, इनके साथ बहुत रिलेशन रहा है। जो भी बात हुई है, जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए, वेरी ट्रांसपेरेंट। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यूएसएल इज अ पेड फॉर दी कंपनी। जो भी आप बच्चों का जो सोच भी रहे हैं मैं अपने बच्चे भेजने के लिए, तो आई रिकमेंड यूएसएल। हाँ सर, बेसिकली मुंबई से हैं, अभी मुंबई महाराष्ट्र से, एंड सर दिल्ली से हैं। तो सर थोड़ा सा बीच मैं डॉक्टर मनोज भारद्वाज, और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी दोनों दो बेटियाँ हैं और दोनों बेटी मेरी यहाँ पर एडमिशन ले रही हैं यूएसएल के थ्रू हुआ मेरा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो शुरू से बताया गया, एक एक वर्ड बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बोला गया। बल्कि मैं कहीं पर कंफ्यूज भी हो रहा था, कुछ लोगों के साथ बात हो रही थी, बहुत सारे एजेंट से उन्होंने बात करी थी, लेकिन इनके साथ बिल्कुल एजेंट जैसी बात करी। तो ये इन्होंने ऐसी बात करी मेरे सामने कि भाई आप हमें देखिए और फिर हमारे काम को देखते समझिए। तो एक शक तो बीच में होता है, थोड़े थोड़े में कभी कभी होता है ना, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना और आपको भी सुना, जब उतना सुनने के बाद देखा तो यार नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे हैं। मैं कैमरे पे आपके सामने नहीं बोल रहा कि आपकी मैं भलाई कर रहा हूँ हाँ, या मैं आपको कोई वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने वही सब चीज़ें बताई, पेपर पे जो था ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग वॉज क्लियर, वो बिल्कुल, और वही हमें मिला यहाँ पर जब हमने देखा। और आज हम रशिया में आए हैं, इनके साथ हैं, हमें कहीं कुछ ऐसा ना लगे कि यार देखे कहीं आप जो बोल रहे हैं उसमें और यहाँ के होने में फर्क तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला ऐसा जो फर्क डालेगा। सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है, जितना कुछ उन्होंने कराया वो सब कुछ बिल्कुल एकदम ठीक ठाक ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप दोनों की बच्चे आई है, बताइए सेफ्टी सिक्योरिटी का मॉडल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। But I will say India is not safe. Yes, it's perfectly safe. Perfect dominating country है भाई, बहुत अच्छा है, ये तो मैं कहूँगा। बल्कि सर के, हमारे सर के 180,000 रुपए फंस भी चुके हैं, दो तीन एजेंट के चक्कर में। सर महाराष्ट्र से हैं, तो सर को पता है कि बात होगी बहुत सारे एजेंट से, बहुत एजेंट से बात। कोई कहता है कि सेकंड से हम 4 लाख लेंगे, कोई 5 लाख लेंगे, कोई 6 लाख मांग रहा है। एक हमारे दिल्ली की भी एजेंट है, मैं पिछले 6 महीने से पीछे हूँ, अच्छा मैं फरवरी से करीब। बल्कि सर का, सर की मेरे से बात हुई थी, तो उस समय सर का ये हो रहा था कि नहीं मेरे को कितने में भरोसा नहीं है। तो मैंने भैया को बोला था, भैया 1 रुपए का एडवांस दिए है, जब आपका सारा काम होएगा उसके बाद हम आगे चीजों को वर्कआउट करेंगे। तो मे भी 2 से 3 दिन में सारा हमारा प्रोसेस निकल चुका था सारा। तो भैया की भी बात हुई, दिल्ली के भी एक एजेंट है हमारे, कुछ है भाई लोग जो सेकंड रहते हैं दिल्ली के अंदर, होने के बाद भी 3,70,000 3,80,000 रुपए ले रहे हैं। हमने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अब तक जो बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट भी आया ये सर आपको इंडिया में मिल चुका था, यस ना, जितने सारा हमने आराम से पढ़ा उसे, उसके बाद हमने चीजों को आगे। तो सर थम्स अप, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। मैं तहसीन आज हूं कल हॉस्टल के पास, इमादुल खान बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। मेरे साथ है सुजैन आलम फ्रॉम मुंबई, इनको ऑलमोस्ट यहां पर 2 महीने हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनके पापा इनको खुद यहां पर छोड़ने आए थे रशिया। तो आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है, और यूएसएल की तरफ से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, स्टार्टिंग से लेकर जब तक हम यहाँ पे सेफली लैंड नहीं किए हैं, और हमारे हॉस्टल सेटलमेंट वगैरह में बहुत अच्छी हेल्प की है उन्होंने। स्टार्टिंग से ही उन्होंने हमारी हेल्प की है, जैसे ये करना कि यहाँ से आपको ये करना है, यहाँ से आपको ये करना है, और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है, तो इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल उनके लिए। जैसे कि सुजैन, आपका हमसे बात करने से पहले आपका कहीं और भी बात चल रहा था, किसी और कॉलेज के लिए आप बात कर रहे थे, फिर पापा को मेरे से बात हुआ या किसी और टीम मेंबर से बात हुआ, फिर तो आपके जहां बात चल रहा था वहां पे क्या इशू फेस हो रहे थे, फिर उसके बाद आपने हमसे जुड़े, कैसा आपको लगा? शुरू शुरू में जब मैं सर्च कर रही थी अपने मेडिकल कॉलेज के लिए रशिया में, तो फिर मैंने कजान में ट्राई किया था, कजान में, लेकिन वहां पे उन्होंने फीस ले ली थी, लेकिन फिर लास्ट में बोला कि ऐसा हो नहीं पाएगा, आपको अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, और क्वेश्चंस भी वैसे नहीं थे। और फिर बश्कीर में हमने ट्राई किया, वहाँ पर भी नहीं हो पाया, ऐसी फीस चली गई,
वहाँ पर भी, लेकिन फिर बाद में हमने जब EOCL और EOCL के बारे में देखा तो फिर उन्होंने हम फिर इमैनुअल कांट बाल्टिक यूनिवर्सिटी के बारे में और जाना, इन्होंने हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा इमैनुअल के बारे में बताने में और हमारी फीस वगैरह और बाकी सारे सही काम इन्होंने करवाए हैं। जैसा कि सुजैन आपने बताया कि आपको बाजार सेटल के लिए आपका फीस ले लिया गया, बस्ती के लिए आपका फीस ले लिया गया, यानी कि आपका एडमिशन हुआ ही नहीं, आप सिर्फ इंडिया में ही पहले इंडियन रुपीस पर फीस ले लेगा, राइट। आप जब हमसे जुड़े, आपका इमानदार काम बाल्टिक चूज हुआ, आपका फीस स्लिप आपको यहाँ पर आके आपकी फीस जमा यहाँ पर करवाएगी। जी जी बिल्कुल। उसकी फीस स्लिप आपके पास होगी। अभी आपको वीडियो के इसमें दिख भी जाएगी इसकी फीस स्लिप जो इसकी जमा हुई भी है। आप देख सकते हो कि बच्चे के साथ कैसा हो रहा था, कि बच्चा कजान फाइनली ट्राई कर रहा था, इससे पैसे भी ले लिए गए बट इसका एडमिशन वहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई किया वहाँ भी नहीं हुआ। यही मेरा आप सबसे कहना है कि कोई भी कॉलेज अगर आप चूज कर रहे हो तो पहले उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जानिए, उसके बारे में पूरी जाँच पड़ताल कीजिए और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जो भी आपकी फीस है वो फीस आपकी कॉलेज में सबमिट होती है, ना कि इंडियन में। आप खुद देखिए ना, अगर आप इंडिया से और रशिया पढ़ने आ रहे हो तो आपकी फीस तो रशिया में जमा होनी है, इंडिया में तो कोई मतलब बनता ही नहीं लेने का, तो इस चीज से थोड़ा सा अवेयर रहिए। जैसा कि सुजन आप मुंबई से हो तो और जो बच्चे आ रहे हैं 2024 में उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप अगर यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप EOCL की हेल्प लीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बाकी EOCL ने जो भी आपको कमिटमेंट दिए स्टार्टिंग से लेकर सारे फुलफिल हुए जी बिल्कुल। तो थम्स अप है कंपनी के लिए। यस।